हेलो बच्चों, मैं विपुल सिंह आज आपके लिए गॉस थ्योरम का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया है और ये हिंदी मीडियम के लिए क्लास है जिसमें हम लोग दो टॉपिक को आज डील करने वाले हैं। पहला जो होगा वो ये है कि अनंत विस्तार समतल चादर के कारण विद्युत तीव्रता, अनंत विस्तार समतल चादर के कारण विद्युत तीव्रता। और दूसरा टॉपिक यह है कि समतल चालक, चादर नहीं चालक के कारण विद्युत तीव्रता। ये दो टॉपिक है जिसको आज हम लोग डील करेंगे। इसके बाद में और एक लेक्चर होगा गॉस थ्योरम एंड। तो लो, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है, जेनरली अगर बात करें हम तो गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग तीन गो हो गया है और ये चौथा अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग एप्लीकेशन नंबर 4 है जिसका नाम है अनंत विस्तार समतल चादर के कारण विद्युत तीव्रता। शायद आपको याद ना हो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब कभी भी गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग हम लोग करते हैं तो फ्लक्स निकालने का दो फॉर्मूला है आपके पास। एक फॉर्मूला था डीफाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा और एक फॉर्मूला था डीफाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, गॉस थ्योरम था। इन दोनों फॉर्मूला को इक्वेट करते हैं तो मेरा विद्युत तीव्रता मालूम चल जाता है। अब कैसे इक्वेट करना है यही तो हम लोग पुराने प्रयोग में पढ़ रहे हैं ना जी। तो ये प्रोसेस आपको मालूम है कि दोनों फॉर्मूला को इक्वेट करके विद्युत तीव्रता हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग फॉर्मूला निकाल लें कि भाई समतल चादर है और उस समतल चादर के कारण विद्युत तीव्रता कितना होगा। तो लो भाई, हम चल रहे हैं, हम मान रहे हैं कि मेरे पास एक समतल चादर है, उड़ने वाला चादर जो कि बहुत ही विस्तृत है, एकदम अनंत विस्तृत। तो हम मान रहे हैं कि मेरे पास एक ये समतल सा चादर है, अच्छा वाला चादर, बढ़िया एकदम ब्रांडेड चादर है और इस चादर पर चार्ज दिया गया है, चार्ज है, चार्ज इस पर दे दिया है। लो भैया, इस चादर पर हमने क्या किया है, चार्ज दिया हुआ है। आवेश, समझ रहे हैं मुझे? समझो समझो, इस चादर पर आवेश दिया हुआ है। अब सोचो, जैसे ही हम चादर पर आवेश देंगे तो पहला बात कि भाई चादर पर कितना आवेश दिया गया है। तो चादर पर इस प्रकार से आवेश दिया गया है कि पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। देखो, पृष्ठीय घनत्व को जनरली कुछ बात था छोटा छोटा जो कि बिना बताए ही हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। अच्छा, उसको डील कर लिया जाएगा। इस चादर पर पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा। पृष्ठ घनत्व बोले तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है, यानी इस पे इस प्रकार से आवेश दिया जा रहा है कि एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है ना जी। सिग्मा बोले तो अगर क्षेत्रफल ए है, आवेश का मान क्यू है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटा में ए। अरे कैसे, सिलेंडर पर अक्ष पर इस प्रकार से आवेश दिया जाता था कि एकांक लंबाई पर आवेश लेमडा होता था, तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू बटा में एल। वैसे ही इस प्रकार से आवेश दिया जा रहा है कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटा में ए। तो भाई आवेश कितना है, अगर आवेश का बात करें तो आवेश सिग्मा जो हो, क्यू जो होगा
वो बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, यही ना होगा आवेश। ये जरूरत पड़ेगा गॉस प्रमेय लगाने के लिए। चलो भाई, तो चादर पर आवेश किस प्रकार से दिया जा रहा है, इस प्रकार से दिया जा रहा है, आप समझ गए। अब कहा जा रहा है कि इस चादर के कारण आप कुछ दूरी पर या किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता ज्ञात कीजिए। बोला जा रहा है कि आप इस चादर से कुछ दूरी पर, यहां पर आप बिंदु P है और इसी बिंदु P पर आप क्या कीजिए, विद्युत तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी आप समझे या ना समझे, देखिए ये चादर है और इस चादर पर आवेश दिया जाता है। जैसे ही इस पर चार्ज पार्टिकल्स दीजिएगा, प्रोटोन रखिएगा, तो चार्ज पार्टिकल विस्तृत रूप से बट जाएगा, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, कुछ चार्ज यहाँ इधर उधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इस साइड में भी चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे है चादर, ऐसे। ठीक है, इस चादर पर आवेश कुछ इधर है, कुछ इधर है आवेश। किस प्रकार से आवेश है, तो इस प्रकार से आवेश है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए यहां से कुछ दूरी पर, यहां पर बताइए विद्युत तीव्रता क्या होगा। तो इधर जो विद्युत तीव्रता होगा, इधर जो विद्युत तीव्रता होगा वो इधर के चार्ज के कारण होगा, उसी प्रकार से इधर के चार्ज के कारण भी इधर कुछ विद्युत तीव्रता होगा, होगा ना जी। हमसे पूछा जाए कि चादर से आप आर दूरी पर विद्युत तीव्रता बताइए, यहां से आर दूरी यहां पर, तो इस चादर के कारण यहां पर तो विद्युत तीव्रता होगा ही, लेकिन इस चादर के कारण इतना ही दूरी पर इस साइड में भी विद्युत तीव्रता होगा, होगा ना जी, एकदम होगा। तो आप इमेजिन कीजिए, आपसे पूछा जा रहा है कि ये चादर है और इस चादर से आर दूरी पर विद्युत तीव्रता बताइए, आर दूरी पर विद्युत तीव्रता बताइए। मिटा दे रहे हैं क्योंकि फिगर ड्रॉ करने में थोड़ा सा तकलीफ होगी। आर दूरी पर विद्युत तीव्रता बताइए, तो भैया हम बताने जा रहे हैं आर दूरी पर विद्युत तीव्रता, तो चार्ज के कारण आर दूरी पर विद्युत तीव्रता यहां होगा, तो इस साइड में भी तो आर दूरी का विद्युत तीव्रता होगा, होगा। तो अब चलते हैं हम इसको सॉल्व करने, यानी क्या क्या आप समझे कि एक चादर है, इस पर आवेश सिग्मा दिया गया है, इस प्रकार से एकांक क्षेत्रफल पर आवेश q बटा a है और इससे r दूरी पर विद्युत तीव्रता हमें ज्ञात करना है। जब इधर विद्युत तीव्रता ज्ञात करना है तो उतना ही दूरी पर इधर भी विद्युत तीव्रता होगा, क्योंकि चार्ज के दोनों तरफ आवेश है। तो जब कभी भी गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग करते हैं या जहां पर विद्युत तीव्रता ज्ञात करना होता है, इस प्रकार से सतह इमेजिन करते हैं, गौसीय सतह का कल्पना करते हैं जिसके बिंदु पर यह बिंदु P आ जाता है, तो हम एक ऐसा गौसीय सतह इमेजिन करने चलेंगे जिसके सतह पर ये दोनों बिंदु आ जाए। कैसा सतह होना चाहिए, तो एक ऐसा सतह होना चाहिए जिसके ऊपर ये दोनों बिंदु आ जाए। तो हम सिलेंड्रिकल गौसीय सतह इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि सिलेंड्रिकल गौसीय सतह ही है जो कि ऐसे हम अगर ड्रॉ कर देते हैं तो दोनों बिंदु उसके सतह पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सिलेंडर है, अगर इसको हम ऐसे इमेजिन करेंगे तो जितना क्षेत्रफल ये लेगा उतना ही क्षेत्रफल ये लेगा, समझ रहे बात को ना, तो इसके लिए सिलेंड्रिकल ही होना जरूरी है। आप इस बात को समझ रहे हैं, तो हम एक ऐसा गौसीय सतह इमेजिन कर रहे हैं जिसके कारण बिंदु P इसके सतह पर आ जाए, और ये गौसीय सतह सिलेंड्रिकल हम इमेजिन कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल गौसीय सतह हम सिलेंड्रिकल इमेजिन कर रहे हैं। देखिए सिलेंड्रिकल हमने गौसीय सतह इमेजिन कर लिया। अब बात हो यहां पर विद्युत तीव्रता निकालने का, तो विद्युत तीव्रता का यहां कुछ डायरेक्शन होगा वेक्टर ही, चूंकि इस क्षेत्रफल को हम मान रहे हैं कितना, ए, ए मान रहे हैं ए। क्यों, क्योंकि देखो इसका क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना कि यह क्षेत्रफल होगा, समझ रहे हो बात को ना। अगर ये क्षेत्रफल ए तो ये भी क्षेत्रफल ए और ये भी क्षेत्रफल ए, इस क्षेत्रफल को हमने ए माना है इसीलिए ये क्षेत्रफल ए हो गया है और ये क्षेत्रफल भी ए। ए क्यों माने हैं, क्योंकि देखो यहां पर देखिए सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटा ए। ठीक है, हो गया क्षेत्रफल भाई, सिलेंडर है तो जो क्षेत्रफल यहां पर होगा वही क्षेत्रफल ये होगा, वही क्षेत्रफल ये होगा, सिंपल सा बात है। अब यहां पर विद्युत तीव्रता निकालना है, चूंकि ये सतह बहुत छोटा है इसलिए छोटा सतह का भी डायरेक्शन इधर नहीं होगा विद्युत तीव्रता के दिशा में, यह भी सतह बहुत छोटा है इसलिए जिधर विद्युत तीव्रता का डायरेक्शन होगा उधर ही क्षेत्रीय सदिश का भी डायरेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हम फ्लक्स निकालने, क्योंकि डी फाई इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा फॉर्मूला लगाएंगे
फ्लक्स निकालेंगे, डीफाई इज इक्वल टू वन बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू फॉर्मूला लगाएंगे, फ्लक्स निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो हम चल रहे हैं हाँ, जो सब सिलेंडर है इस सिलेंडर के कारण फ्लक्स निकालना है हमको। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इस बहुत छोटा सा सतह से फ्लक्स निकाल लेते हैं। अगर इतना बड़ा सतह ए है तो ये बहुत छोटा सा सतह क्या होगा, बहुत छोटा सा सतह है डी है, डी होगा ना जी, डी है। वैसे ही अगर ये सतह ए है तो बहुत छोटा सा सतह डी है। तो हम पहले बहुत छोटा सा सतह के कारण फ्लक्स निकाल लेते हैं और पूरा पकड़ करके क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, पूरा बेलन के कारण फ्लक्स निकाल देंगे। इसलिए छोटा सतह, अब यहां से सोल्व करने जा रहे हैं बनाने, छोटा सतह डीए से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा जी, छोटा सतह डीए से फ्लक्स भी बहुत छोटा निकलेगा, डी फाई ई इंटू डी ए कॉस थीटा, थीटा बोले तो जीरो क्योंकि दोनों एक तरफ है, एंड कॉस 90 बोले तो कॉस जीरो बोले तो वन। तो इसलिए जो डी फाई होगा वो ई इंटू डी ए हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब भाई छोटा सतह से इतना, तो भाई पूरा सतह से फ्लक्स कितना निकलेगा, इसलिए बेलन का सतह से निकलने वाला फ्लक्स नजी लो भैया, ये पूरा सतह से फ्लक्स कितना निकलेगा, तो पूरा फ्लक्स को जोड़ना पड़ेगा समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू समेशन ऑफ डी ए, एरिया को जोड़ना पड़ेगा, समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू, अब एरिया को जोड़ते चलते लो बताओ कितना एरिया है, एक तो एरिया ये है, एक तो एरिया ये है, एक एरिया, दो एरिया और एक तीन एरिया, कर्व सरफेस एरिया है, सिलेंडर है, सिलेंडर के पास तीन एरिया है, एक ये एरिया वृत्ताकार और एक ये एरिया वृत्ताकार और एक ये सब कर्व सरफेस एरिया, तो एरिया तीन गो है, इसका एक एरिया, इसके एरिया को हम क्या बोल रहे हैं ए प्लस, एक ये कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया है, अगर कर्व सरफेस एरिया हम निकालने चले तो कितना होता है, टू पाई आर, अगर लंबाई एल हो तो एल प्लस, एक ये एरिया इसको हम लोग ए माने, हो गया कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब बात ये है कि थोड़ा सा सोचो फ्लक्स किस किस एरिया से निकलेगा, किस किस एरिया से निकलेगा, यही बात आपको सोचना है, यही सोचना है कि फ्लक्स किस किस एरिया से निकलेगा, ठीक है। देखो बालक, पहला बात कि फ्लक्स जो है एक तो इस एरिया से निकलेगा, क्यों, क्योंकि विद्युत तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों के बीच के एंगल 0 डिग्री है, देख लो, तो डी फाई इज इक्वल टू फ्लक्स कितना निकलेगा, इतना निकलेगा, किधर इतना निकलेगा इस क्षेत्रफल से। अब बात आता है इस क्षेत्रफल से, तो इस क्षेत्रफल से भी विद्युत तीव्रता और क्षेत्रफल का दोनों का दिशा एक तरफ, इस क्षेत्रफल से भी फ्लक्स निकलेगा, यानी ये क्षेत्रफल से फ्लक्स निकलेगा और ये क्षेत्रफल से फ्लक्स निकलेगा। अब बच रही है इसको हम लोग देख रहे हैं, इस क्षेत्रफल से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा, सोचो तो विद्युत तीव्रता का दिशा इधर है और कर्व सरफेस एरिया का दिशा इधर है, देख रहे हो, विद्युत तीव्रता का दिशा इधर है और कर्व सरफेस दिशा का एरिया का दिशा इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, जब कॉस 90 बोले तो 0, यानी कर्व सरफेस एरिया से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, यानी ये जो एरिया है इस एरिया से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, 0 निकलेगा, इसलिए समेशन ऑफ डी फाई जो होगा वो बराबर होगा इंटू ये एरिया प्लस ए एरिया, टू ए, यानी समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू टू इंटू ई ए, इस तरह से समझ रहे बात को, या अगर आपको ये तरीका ना समझ में आए तो आप अलग अलग फ्लक्स निकाल सकते हैं, इसके कारण फ्लक्स निकालिए, फिर इसके कारण फ्लक्स निकालिए, फिर इसके कारण फ्लक्स निकालिए, समझ रहे बात को,
आप तीनों के कारण अलग अलग भी फ्लक्स निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर इस तरह से आपको न समझ में आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वही काम करेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग आसान तरीके से कर देंगे। देखिए हम ये कर रहे हैं कि पहले है छोटा सा सतह से फ्लक्स कितना निकलेगा, देखो यानी लिखेंगे हम लोग यहां से कुल फ्लक्स जो होगा वो बराबर होगा इस एरिया से निकलने वाला, इस एरिया को नाम देते हैं अगर एक, और कर्व सरफेस एरिया को नाम देते हैं दो, और इस एरिया को नाम देते हैं तीन, तो कुल फ्लक्स जो होगा बराबर होगा एक सतह से फ्लक्स प्लस सेकेंड सतह से फ्लक्स, सॉरी उधर जगह नहीं होगा, एक सतह से फ्लक्स प्लस सेकेंड सतह से फ्लक्स प्लस थर्ड सतह से फ्लक्स। नाउ अब देखो तो जो कुल फ्लक्स होगा समेशन पर डिफाइन वो बराबर होगा एक सतह से फ्लक्स कितना निकलेगा, देखो तो E into A क्षेत्रफल कितना है, E into A cos थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री cos 0 प्लस ये दूसरा सतह से जो फ्लक्स निकलेगा कितना निकलेगा, विद्युत तीव्रता तो E है, into इस कर्व सरफेस एरिया का क्षेत्रफल 2π, अगर रेडियस R है तो R, अगर लंबाई हम L मानते हैं तो L मान ले, 2πRA into cos E into A cos थीटा का वैल्यू, देखो कर्व सरफेस एरिया है तो क्षेत्रफल का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, और विद्युत तीव्रता इधर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो cos 90 प्लस तीसरा से कितना हो जाएगा E into विद्युत तीव्रता का डायरेक्शन इधर, E into A क्षेत्रफल A cos 0 डिग्री, तो समेशन ऑफ d phi जो हो गया कितना हो गया, cos 0 बोले तो 1, cos 90 बोले तो 0, cos 0 बोले तो 1, E into A plus ये cos 90 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, ये cos 0, cos 0 कितना होता है 1, यानी E into A, यानी समेशन ऑफ d phi जो होगा कितना हो जाएगा E A plus E A 2 E A, वही बात है ना इक्वेशन फर्स्ट, यानी जो कुल बेलनकार सतह से फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा इतना, पहला फॉर्मूला हम लोगों ने लगा लिया। अब सेकंड फॉर्मूला गॉस प्रमेय से क्या होगा भाई, तो गॉस प्रमेय से क्या होता है, कुल फ्लक्स को समेशन ऑफ डीफाई से डायरेक्ट लिखो ना, समेशन ऑफ डीफाई जो होता है वो बराबर होता है 1/ε0, और ये क्षेत्रफल ए जो है देखो तो कितना क्षेत्रफल आ रहा है, ए क्षेत्रफल कितना आवेश को अपने अंदर रख रहा है, तो ए क्षेत्रफल कितना आवेश को रख रहा है, सिग्मा इंटू ए 1/ε0 सिग्मा इंटू ए, इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन एक तथा दो से इधर मिटा देना जी, आप नोट कर लीजिएगा, चीजों को नोट करते चलिएगा, इसलिए इक्वेशन एक तथा दो से थोड़ा सा समझना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इक्वेशन एक तथा दो से, इक्वेशन एक तथा दो से क्या हो जाएगा, तो जब LHS बराबर तो RHS भी बराबर, 2EA बराबर होगा 1/ε0 सिग्मा इंटू ए, ए से कैंसिल, तो E इज इक्वल टू 1/2 नीचे आ जाएगा 1/2 ε0 इंटू सिग्मा, यही विद्युत तीव्रता होगा। इस अनंत विस्तार समतल चादर के कारण आप कितना भी दूरी पर विद्युत तीव्रता निकालिए, कितना भी दूरी पर निर्भर नहीं करता है, देखिए ये R हम माने थे, R का कोई मतलब नहीं है, कितना भी दूरी पर आप विद्युत तीव्रता निकालिए वो किसके बराबर होगा 1/2 ε0 इंटू सिग्मा, ठीक है, समझे आप इस बात को, कुछ नहीं था, ये एक समतल चादर था, इस पर आवेश दिए, इस तरफ भी आया, इस तरफ भी आवेश आ जाएगा, हमसे कहा गया कि आप यहां पर कुछ दूरी पर विद्युत तीव्रता निकालिए, तो भाई यहां पर जो विद्युत तीव्रता होगा इस चार्ज के कारण उतना ही दूरी पर इधर भी विद्युत तीव्रता होगा ना जी, एकदम होगा, तो
तो हमको इस तरह से सतह इमेजिन करना पड़ेगा कि इधर का भी बिंदु और इधर का भी बिंदु, दोनों बिंदु एक सतह पर आ जाए। तो हमने एक सिलेंड्रिकल इस तरह से इमेजिन किया, इस तरह से इमेजिन किया गॉसियन सतह। अब जैसे इमेजिन किया तो ये बिंदु इस वृत्ताकार सतह पर आ गया और ये बिंदु इस वृत्ताकार सतह पर आ गया। हमने क्या किया कि पहले पूरा सिलेंडर के कारण फ्लक्स निकाल दिया, तो इस सतह से फ्लक्स निकलेगा और इस सतह से फ्लक्स निकलेगा, लेकिन कर्व सरफेस एरिया से फ्लक्स नहीं निकलेगा। क्यों? कि कर्व सरफेस एरिया जो है विद्युत तीव्रता का डायरेक्शन इधर था और कर्व सरफेस एरिया का डायरेक्शन देखो किधर है, इधर। थीटा वैल्यू का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए कर्व सरफेस एरिया से फ्लक्स नहीं निकलेगा, केवल इसके और इसके से फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स हमने दोनों से निकाल लिया था, इतना आया। फिर गॉस थ्योरम लगा दिए कि यह जो क्षेत्रफल ए है वो कितना आवेश को घेर रहा है, और लगाने के बाद हमने निकाल लिया कि 1/2 ε0 ⁶ होगा। तो ये आपका हो गया अनंत विस्तार समतल चादर के कारण विद्युत तीव्रता। अब हम लोग जा रहे हैं एक समतल चालक के कारण विद्युत तीव्रता। तो ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 5 है। एप्लीकेशन नंबर 5 ये है कि समतल चालक के कारण विद्युत तीव्रता। ये चादर था, अब चालक समतल चालक के कारण विद्युत तीव्रता। ज्यादा पढ़ा दिए का जी, समतल चालक के कारण विद्युत तीव्रता। देखो कहने का मतलब है कि आपके पास एक समतल चालक है किसी भी शेप का, किसी भी शेप का। एक मेरे पास कोई चालक है किसी भी शेप का, देखो, और इसी शेप पर चार्ज दिया गया है, चार्ज दिया गया है। बोला जा रहा है कि आप इस चालक से कुछ दूरी पर, यहां पर कुछ आर दूरी पर बताइए कि विद्युत तीव्रता कितना होगा। ठीक है, ये बिंदु पी पर बताइए कि विद्युत तीव्रता कितना होगा। चूंकि आवेश जो दिया गया है इस प्रकार से दिया गया है कि इसका भी पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है, पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। ठीक है, यानी बात करें हम तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना है सिग्मा, यानी सिग्मा बोले तो क्यू बटा में ए नजीर, इसलिए आवेश कितना हो जाएगा ए क्षेत्रफल पर, आवेश बराबर क्यू बराबर सिग्मा इनटू ए। गॉस थ्योरम लगाने में आसानी होगा। हमसे कहा जा रहा है कि बताइए इस दूरी पर आप विद्युत तीव्रता कितना होगा, तो जब हमसे बोला गया कि बताइए इस दूरी पर विद्युत तीव्रता कितना होगा, तो जहां पर विद्युत तीव्रता निकालना होता है क्या करते हैं, एक सतह इमेजिन करते हैं। तो यहां पर कोई सतह इमेजिन किया जाए, फिर से सिलेंड्रिकल सतह हम इमेजिन कर रहे हैं। लो भाई, एक सिलेंड्रिकल सतह हमने इमेजिन किया, हमने एक सिलेंड्रिकल सतह इमेजिन कर लिया और इस बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालना है। तो चूंकि वेक्टर ई का डायरेक्शन इधर, सतह बहुत छोटा है, अगर इस सतह को मानते हैं हम ए और यह सतह बहुत छोटा है तो क्षेत्रीय सदिश का भी डायरेक्शन हो रहे हैं, कोई दिक्कत। मान लो अगर पूरा सतह है तो बहुत छोटा सा सतह डी है, वैसे ही ओके यहां पर भी विद्युत तीव्रता होगा, वैसे ही जैसे समतल चादर में हुआ था, इधर भी विद्युत तीव्रता का डायरेक्शन होगा कुछ ई। एरिया अगर ए है तो बहुत छोटा सा क्षेत्रफल डी है, इधर भी क्षेत्रीय सदिश का भी डायरेक्शन होगा ई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। फिर से वही काम करेंगे, सेम टू सेम सब कमोवे वही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग आ जाएगा, एक वो छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। लो भैया, छोटा सतह से निकलने वाला फ्लक्स, भाई छोटा सतह से फ्लक्स कितना निकलेगा, बहुत छोटा सा फ्लक्स निकलेगा, डीफाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा, यही नहीं निकलेगा बहुत छोटा सा सतह से, इसलिए पूरा सतह से कितना फ्लक्स निकलेगा, इसलिए
बेलन का सतह से निकलने वाला फ्लक्स, फ्लक्स जो कुल फ्लक्स होगा वो बराबर होगा, अगर इस सतह को नंबर हम एक देते हैं, ये कर्व सरफेस एरिया वाला को सेकेंड और ये इसको थर्ड, तो कुल फ्लक्स जो होगा पहला सतह से फ्लक्स प्लस दूसरा सतह से फ्लक्स प्लस तीसरा सतह से फ्लक्स, समझ रहा है बात को, तीसरा सतह से फ्लक्स, तीनों सतह से फ्लक्स निकालना है। कुल फ्लक्स को समेशन ऑफ डी फाई बराबर होगा, पहला सतह से फ्लक्स कितना निकलेगा देखो, ई इनटू क्षेत्रफल कितना है ए कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री कॉस 0 प्लस ये कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया से प्लस कितना निकलेगा ई इनटू क्षेत्रफल, इसका अगर हम बात करें तो 2πr, अगर लंबाई एल है तो एल प्लस थर्ड सतह से, यही कॉन्सेप्ट है। देखो अगर हम तुमसे थर्ड सतह से जेनरली पूछे तो तुम बोलोगे कि इससे भी फ्लक्स निकलेगा ई इंटू ए कॉस थीटा, ऐसा ही बोलोगे कि कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो कॉस 0। लेकिन ये जो थर्ड सतह है वृत्त का, सिलेंडर का ये वाला जो वृत्त पार्ट है, ये चालक के अंदर में आ जा रहा है, और एक यही कंसेप्ट होता है कि आवेशित चालक के अंदर में विद्युत तीव्रता 0 होती है, आवेशित चालक के अंदर में विद्युत तीव्रता 0 होती है, यानी चालक के अंदर में ये सतह आ गया है तो इस सतह पर का विद्युत तीव्रता कितना हो जाएगा 0 0 0। तो इसलिए समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 और ई इंटू 2πr, सॉरी ये जो कर्व सरफेस एरिया था इसका डायरेक्शन इधर है और विद्युत तीव्रता का डायरेक्शन इधर, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता ना, तो यहाँ पर कॉस 90 लिखना हम लोग भूल गए थे, तो ई ए और प्लस कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये पूरा सिस्टम 0। और चूंकि ये थर्ड जो वृत्ताकार पार्ट है वो चालक के अंदर में आ जा रहा है, तो चालक के अंदर में विद्युत तीव्रता 0 होती है, इसलिए इस थर्ड सतह से भी जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा 0। यानी समेशन ऑफ डी फाई जो है ना, कुल सतह से जो फ्लक्स निकलेगा वो बराबर कितना होगा E into A, इक्वेशन फर्स्ट, यानी केवल और केवल पहले के सतह से फ्लक्स निकलेगा, हेहू से फ्लक्स नहीं निकलेगा, हेहू से फ्लक्स नहीं निकलेगा। समतल चादर में दोनों सतह से फ्लक्स निकलता था, इससे भी और इससे भी, क्योंकि ये चालक के अंदर में नहीं पड़ता था, चालक के बाहर पड़ता था, लेकिन समतल चालक में केवल इसी से निकलेगा, इस कर्व सरफेस एरिया से कोई फ्लक्स नहीं, और जो चालक का सतह अंदर में पड़ रहा है उससे भी कोई फ्लक्स नहीं, क्योंकि अंदर में चालक का विद्युत तीव्रता 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम पहला फॉर्मूला लगा लिए और दूसरा फॉर्मूला जो है फ्लक्स का वो गॉस थ्योरम लगा के लगाएंगे, तो चलते हैं गॉस थ्योरम लगाने। ये याद रखिएगा Q इज इक्वल टू सिग्मा इन टू ए, देखिए तो अब गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से क्या बोलता है गॉस प्रमेय से भाई, कि जो कुल फ्लक्स होगा समेशन ऑफ डी पाई वो बराबर होगा 1/ε0, और इस क्षेत्रफल के अंदर जितना, ये जो ए सतह है एरिया ए, इसके अंदर जितना चार्ज है, कितना चार्ज है सिग्मा इनटू ए, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन एक और दो को देखो, इक्वेशन एक तथा दो से जब ये LHS बराबर है तो ये RHS भी बराबर होगा, तो E into A बराबर होगा 1/ε0 सिग्मा into A, A से A कट गया तो E is equal to 1/ε0 into सिग्मा। ये समतल चालक के कारण विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला हो गया। तो हमने आपको ये बता दिया कि समतल चादर के कारण विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला 1/2ε0 into सिग्मा होता है, समतल चालक के कारण विद्युत तीव्रता 1/ε0 इंटू सिग्मा होता है, दोनों के कारण हमने आपको निकलवा दिया, और यहां पर आपका गॉस प्रमेय का टोटली अनुप्रयोग खत्म हो गया।
ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एक लेक्चर में कुछ बातें जानेंगे और उसके बाद ये गॉस प्रमेय आपका खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए, समझते रहिए।